नाश्ते और लंच के बीच में या लंच और डिनर के बीच में स्नैक्स टाइम में हम अक्सर जंक फूड या तले भुने खाद्य पदार्थ खाते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। हमारे सेहत के लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं होता और इसका रिजल्ट ये भी होता है कि वजन धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने लग जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। यह हमारे पूरे स्वास्थ्य को, पूरे सेहत को खराब कर देता है। इससे बचने के लिए जब भी आपको भूख लगे तो नट्स का इस्तेमाल करिए, नट्स को खाइए, यह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। थोड़े से नट्स खाने से ही आपको आवश्यक पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स और कैलोरी मिल जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। आइए जानते हैं भूख मिटाने के लिए हम कौन से नट्स खा सकते हैं और उनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो पहला आता है बादाम। बादाम को नट्स का राजा कहा जाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छे स्वास्थ्य और न्यूट्रिएंट्स की वजह से बादाम हमारे शरीर के लिए पावर हाउस का काम करता है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। बादाम में मौजूद जो फैट होता है वो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। बादाम बालों और त्वचा के लिए यानी स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। प्रतिदिन 3 या 4 बादाम खाने चाहिए। इन्हें पानी में भिगोकर या भीगे बादामों को शहद में पीसकर खाने से इसके तमाम गुणों का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। दूसरा है मूंगफली। यह सस्ता और न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। इसमें आयरन और कैल्शियम का भंडार होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी होता है और कैलोरी को भी यह बढ़ाता है। डाइटिंग पर रहने वाले या कम खाने वाले लोगों के लिए यह प्रोटीन का भी एक अच्छा सोर्स है। जिन लोगों का दूध से एलर्जी होता है उनको मूंगफली ज़्यादा मात्रा में खाने की सलाह दी जाती है ताकि उनके शरीर में इसके द्वारा प्रोटीन की भरपाई की जा सके। मूंगफली से अनेक प्रकार के फूड आइटम्स बनाए जा सकते हैं। इसका चटनी और सब्जी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से मूंगफली का प्रयोग करके स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है। तीसरा आता है अखरोट। अखरोट का आकार मस्तिष्क के समान होता है। इसकी बनावट मस्तिष्क का एहसास कराती है। इसमें ओमेगा 3 फैट्स पर्याप्त मात्रा में होता है। बादाम की तरह अखरोट भी हमारे शरीर के बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की क्षमता रखता है। अखरोट में फाइबर और विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पाइन नट्स, इसे आमतौर पर चिलगोजा कहा जाता है। छोटे छोटे आकार के पतले नट्स पाइन ट्री के बीज का वो हिस्सा होता है जो खाने योग्य होता है। इसमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह पिनोलैनिक एसिड का एकमात्र प्राकृतिक सोर्स है। यह भूख को बढ़ाने में भी सहायता करता है। सैचुरेटेड फैट्स होता है जो हार्ट डिजीज से हमें बचाता है और इसमें विटामिन सी भी होता है जो हमारे स्किन के लिए, हमारे स्किन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उनको अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हेजल नट्स, इसमें विटामिन बी की भरपूर मात्रा होती है। इसमें फोलेट कंटेंट भी होता है और इसमें ऑलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसको आप अपने आसपास के सुपरमार्केट से पैकेट बंद खरीद सकते हैं। इस जानकारी को अच्छी तरह से समझते हुए नट्स का नियमित प्रयोग करें। जब भी आपको हल्की भूख लगे स्नैक्स के टाइम में तो नट्स को खाइए और सेहतमंद रहिए। थैंक यू।